पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गई है हीरा और मोती। शराब के चक्कर में थाने पहुंची और पुलिस वालों की नींद हराम हो गई। दो बैलों के कारण शराबबंदी कानून भी मुश्किल में पड़ गई। हमने कहानियों में हीरा मोती बैल के बारे में पढ़ी थी, जो एक नाद में खाते थे, प्यार से रहते थे, लेकिन बिहार में तो दो बैल पुलिस के लिए ऐसी मुसीबत बन गए हैं जिससे पूरा महकमा हैरान परेशान हो गया है। मामला गोपालगंज का है, जहां हीरा और मोती नाम के दो ऐसे बैल हैं जिनके कारण शराबबंदी कानून मुसीबत बन गई है। अपने मालिक की गलती और कानून की सजा इन बैलों को भुगतनी पड़ रही है। अब ऐसे में हीरा और मोती के नाम से जाने जाने वाले इन बैलों को लेकर पुलिस भी सिर पीट रही है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल इन बैलों के मालिक ने इन्हें शराब की तस्करी के धंधे में लगा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें शराब के साथ जब्त किया। ये घटना जादवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर टेंगराही गांव के छरकी बांध पे हुई है। गुप्त सूचना मिली थी उस समय, तो थाना के अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई किया गया था। इसमें 25 जनवरी 2022 को ये घटना हुई थी कि सूचना मिला था कि बैलगाड़ी पे कुछ लोग हैं सो अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर छापामारी किया गया तो छरकी बांध पर एक बैलगाड़ी पकड़ाया, जिसको विधिवत तलाशी लिया गया, तो उसमें 960 बोतल शराब बरामद हुआ, जिसका कुल मात्रा 192 लीटर था। और बैलगाड़ी भी उसमें जब्त किया गया, दोनों बैल के साथ जब्त करके जो भी प्रक्रिया होता है रसद वगैरह का किया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत इन बैलों को नीलाम करना था, लेकिन नीलामी की रकम इतनी अधिक है कि कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा, लिहाजा पुलिस को थक हार कर शराब कांड के अभियुक्तों को ही जिम्मेनामा पर बैलों को सौंपना पड़ा, जो अब हीरा और मोती बैल ना ही मालिक के रहे ना ही उन्हें छोड़ा जा सकता है। अब अभियुक्तों के पास बैलों को चारा खिलाने के लिए उतने पैसे नहीं है। आलम यह है कि पिछले 9 महीने से वो अपने दोनों बैलों को बिना काम कराए उनकी देखभाल कर रहा है। इस मामले में बड़ा झोल ये भी है कि पुलिस ने दोनों बैल को अपने पास न रखकर अभियुक्तों के कंधे पर इनकी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन अभियुक्त होने के कारण उनके नाम से नहीं बल्कि उसके भाई के नाम से जिम्मेनामा कागज बना दिया। उधर जेल से बाहर निकले शराब कांड के अभियुक्त ओम प्रकाश का कहना है कि कागज मेरे भाई के नाम पर है और बैल को मेरे हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने छोड़ दिया है हमारे पास, जब से हम चले गए फंसा दिया हमको, कोई भी चलेगा दारू के साथ में। कितने महीना रहे? 7-8 महीना जेल रह गए। उसके बाद आने के बाद फिर हमारे सर पर भी खिलाने पिलाने का बोझ पड़ ही रहा है। एक पैसा कर्जा पैसा काट कर हम खिला रहे हैं उसको, सेवा कर रहे हैं उसको, एक पैसा हमको नहीं मिल रहा है। कितना अब तक खर्चा हो गया होगा? खर्चा 50 से ऊपर जा रहा है। जेल से बाहर निकले ओम प्रकाश यादव ने अपनी दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि 9 महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए, 6 महीने जेल में भी सजा काट लिए, अब भी इन बैलों से पीछा नहीं छूट रहा। उधर पुलिस भी इन बैलों से परेशान हो गई है। न्यूज़ लाइफ डेस्क पटना।